हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दिन के 12, लेकिन मौसम मस्त है। अभी धूप नहीं है, गर्मी कम लगी है, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। अच्छा है। तो दोस्तों, मैं अभी नहा लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ, और मेरे को लगी है भूख, तो थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, ये जरूरी है। तो उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों, अभी किसी ने पूछा ऐसा है कि अभी बज गए 3:30, और देख सकते हो आप पानी की रुकी, मौसम खराब हो गया है। हमें भी एक काम था, आज से हमारा बस छूट गया है। तो दोस्तों, इस बस के चक्कर में मैंने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया उतना टाइम में। आप लोग देख सकते हो, ये सामने से बस जा रही है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ इसको। अभी बीच में रोकूंगा तो हाईजेक हो जाएगा, तो इसको ना विश्रामपुर में ही रोकते हैं बस को। तो चलो, मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ आराम से। तो फाइनली भाई लोग मिल गया टायर, लेकिन 100 रुपए लिए इसका लगेज चार्ज। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार, धूप भजी रखी है यहाँ पर। तो भाई लोग, मैं विश्रामपुरी से घर आ गया, और अभी मैं आया हूँ रवि के घर साइड। देख सकते हो, रवि भाई घर है। तो मैं अभी यहाँ पर इस पर पर्दा बोले तो दीवार पे चढ़ा हूँ, और ये पास मिला है मेरे को ये, तो इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। कच्चा है ये खाने का मन किया। इसके बीजा अच्छा लगता है, मतलब इसके अंदर का बीजा है ना, वो अच्छा लगता है मेरे को। तो अभी हम लेने के लिए आए हैं घोड़ा, तो ये रवि अभी सवारी कर रहा है, देख सकते ये बैठ गया। चलो भी हम मामा के घर में आए हैं, और ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये वन प्लस का है, ये कि सुनील भैया का है। तो देख सकते हो पीछे मामा जी इधर गए हैं, इनका भी शादी है, फुल तैयारी में है, टेंट वगैरह इधर लाए हैं, ये उनकी भाची जी है। तो बस देख सकते हो, 2 दिन बाद मामा जी की शादी है, और मामा जी उधर गए हैं, वो खड़े हैं ना, उन्हीं का शादी है। तो भाई लोग, अभी मैंने भोजन कर लिया, भात खाया यार। मैं भात में सादा चावल बना था, और इमली की चटनी बना था, और सब्जी में बना था आलू का भुंजी, तो अच्छा लगा था, खा लिया मैंने। और तो मैं थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहा हूँ इधर तालाब साइड, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे तक जाऊँगा, उसका सीन दिखाऊँगा आपको। तो भाई लोग, मैं इधर जा रहा था, ये भी बंद हो गया यार, चला है दुख का है खत्म हो गया। तो चलो मैं चलता हूँ अभी, बस रवि घर से जाएंगे यार। और वैसे रवि बहुत दिनों बाद शादी में ही आया, उसके बहन की, मतलब सावित्री की शादी में आया था, मेरी बहन है, तो उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो कुछ दिन बाद फिर से चला जाएगा ना। फिर मैं, वैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है रवि, दिलीप और संतोष, वैसे 2 थे अब 3 हो गए हैं, मतलब हाँ, तो क्योंकि मेरा हेल्प करते हैं, मैं उनका हेल्प करता हूँ। जो मेरे साथ अच्छा रहता है, मैं भी उनके साथ अच्छा रहता हूँ। जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ मैं अच्छा ही बर्ताव करता हूँ, बुरा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि मैं बुरा हूँ ना, उन लोग अच्छे हैं। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं रविदास के साथ। तो मित्रों, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर साइड, रवि घर साइड आया था, बातें किए, रवि तो खाना खाया, उसके बाद थोड़ा हम टहलने के लिए गए। तो मैं जस्ट अभी, मेरे को पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, और अकेली जिंदगी कट रही है, आप लोग देख सकते हो। क्या करें भाई, साला दुख का है, खत्म नहीं होता रे। तो बस यही सीन है यार, चलो चलते हैं। और वैसे सामने में राजेश मामा का घर है, देखते हैं वहाँ का सीन क्या होता है। अच्छा, दोस्त लोग रहेंगे तो घुसेंगे, और नहीं रहेंगे तो नहीं घुसेंगे। तो इधर से मामी आवाज़ कर रही थी, उनको मैं इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं पहुंच गया अपने घर के तालाब के पास, आप लोग देख सकते हैं पास का सीन, पूरा चारों साइड स्ट्रीट लाइट लगी है। तो मैं कुछ देर बाद पहुँच जाऊँगा अपने घर, और मैं भी सो जाऊँगा दोस्तों, और वैसे मेरे को भी नींद लगी है। हाँ, तो चलो पहुँच जाते हैं घर। तो मैं भी पहुंच गया घर, अब ऊपर अपने रूम में चले अपनी आने कल से रूम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सोऊंगा बिना पंखा, और वैसे आजकल ठंड लगती है। तो दोस्तों, ब्लॉग को यही करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों कल के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। 5, 6, 5, 6, 7, 8 जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने नु मेरा अज जी करदा जी।